हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट हिंदी NCERT क्लास थर्ड चैप्टर 7 टिप टिप वा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन अचानक से मूसलाधार बारिश हो गई, बहुत ही भीषण बारिश हो गई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया भी झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप इस बात से बेखबर थी और पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था, मीन्स मचल रहा था। बुढ़िया खिंचकर बोली, खिंचकर मीन्स तंग होकर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए। वो बोलती है, अरे बच्चा क्या कहानी सुनाऊँ, ई टिप टिप वा से जान बचे तब ना, मीन्स इस टिप टिप से जान बचे तभी मैं तुम्हें कुछ कहानी सुनाऊँगी। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप वा कौन है? टिप टिप वा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर ई टिप टिपवा के डर। तो दादी बोलती है, हाँ हाँ बच्चा, ना ही शेर का डर है ना ही बाघ का डर है, डर तो इस टिप टिपवा का है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे ही बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से बहुत ही घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और ज़्यादा डर गया। अब यह टिप टिप वह कौन सी बला है? बला मीन्स मुसीबत। वो बाघ बोलता है कि अब ये टिप टिप वह कौन सी मुसीबत है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो ये बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिप वह से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, हमला मीन्स वार करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और वह जल्दी से वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था, गायब मीन्स लापता था, मिल नहीं रहा था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की खबर उन्हें रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, मीन्स उसे अच्छी लगी। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाजकर बताइए तो वह कहाँ है। पोथी बाजकर मीन्स अपनी पुस्तक में देख के बताइए कि वो कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी बहुत थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया तो पूछ ले। पंडित जी ने गुस्सा होते हुए कहा, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ाई पोखर में, गड़ाई पोखर मीन्स गड्ढे तालाब में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छुपा हुआ बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने ना आओ देखा ना ताओ, मतलब उसने ना इधर देखा ना उधर, और लगा बाघ पर मोटा लट्ठा बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है।
आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे उसे चुपचाप करते जाना होगा। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की ओर चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए, बिना किसी आवाज़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे हुए देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं।